Hello students, how are you all? I hope you all are fine. And we were studying the chapter 5th, The Happy Prince. And we have read four pages of this story. और हमने इसके फोर पेजेस पढ़ लिए थे, ठीक है? और आपको ये राइट का निशान दिख रहा होगा. एंटिल दिस वी हैव रेड दिस स्टोरी, और यहाँ तक हमने इसको पढ़ लिया था. अब मैं शॉर्ट में थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ आपको कि व्हाट वर इन दिस स्टोरी, किस स्टोरी में था क्या. ओके, तो हम देखते हैं कि एक सिटी है जिसके एक सिटी के ऊपर एक कॉलम है, और उस कॉलम के ऊपर हैप्पी प्रिंस का स्टेचू लगा हुआ है. और एक बर्ड है जिसका नाम स्वेलो है, वो इजिप्ट की ओर जा रहा है, क्योंकि उसके जो फ्रेंड्स है वो 2 वीक्स बिफोर ही क्या कर चुके हैं, इजिप्ट जा चुके हैं. तो वो भी कहाँ जा रहा है? इजिप्ट जा रहा है, क्योंकि विंटर स्टार्ट होने वाली है. जब वो पूरे दिन वो फ्लाई करता है तो काफ़ी थक जाता है. एंड देन ही डिसाइडेड टू रेस्ट, तो फिर वो डिसाइड करता है कि वो रेस्ट करेगा. तो फिर वो जब सिटी के ऊपर से जा रहा होता है तो सोचता है कि मैं इस सिटी में ही आज रेस्ट कर लेता हूँ. और फिर वो एक परफेक्ट प्लेस ढूंढने की कोशिश करता है जहाँ पर वो रेस्ट कर सके. ओके, तो उसे वो स्टेचू दिखाई देता है जो कि टॉल कॉलम के ऊपर था. तो उसने सोचा कि ये एक परफेक्ट प्लेस है और यहाँ पे फ्रेश एयर भी मिलती रहेगी. सो ही डिसाइडेड टू रेस्ट देयर, तो वहीं पे रेस्ट करने की वो सोच लेता है. ओके, और व्हेन जब वो रेस्ट करने ही लगता है तो एक ड्रॉप उसके ऊपर गिरती है, फिर दूसरी ड्रॉप गिरती है, और जब ऊपर की ओर देखता है तो तीसरी ड्रॉप भी गिरती है. वो सोचता है कि कहने का मतलब मौसम बिल्कुल साफ है, द स्टार्स आर शाइनिंग क्लियरली, देयर इज नो साइन ऑफ क्लाउड, क्लाउड के कोई नामो निशान नहीं है, स्टार भी चमक रहे हैं, फिर भी रेनिंग हो रही है. अगर रेनिंग हो रही है और ये स्टैचू रेन को दूर करने में मेरी हेल्प नहीं कर सकता, मतलब मुझे बचा नहीं सकता, तो इस स्टैचू का क्या फ़ायदा. लेकिन जब व्हेन ही लुक अप, लेकिन जैसे ही वो ऊपर देखता है तो ही फाउंड दैट द हैप्पी प्रिंस वर वीपिंग एंड द टीयर्स वर रोलिंग डाउन फ्रॉम हिज आईज, फ्रॉम हिज चीक्स, ठीक है, उसके चीक से रोलिंग डाउन हो रहे थे, गिर रहे थे, ठीक है, आँखें आंसू से भरी हुई थी. हमने ये देखा. तो फिर जो स्वेलो है वो आस्क करता है उससे कि वाई वर यू वीपिंग एंड हु आर यू, तो रिप्लाई करता है कि आई एम हैप्पी प्रिंस, आई वॉज हैप्पी वेन आई वॉज अलाइव, ओके, एंड सो आई लिव्ड एंड सो आई डाइड, वैसे ही मैं जिया और वैसे ही मैं मर गया हैप्पीली. मैं उस समय पैलेस में रहता था, लेकिन जब ये सिटी पीपल ने मुझे यहाँ पर स्टेचू के ऊपर लगा दिया तो नाउ आई कैन सी द अगलीनेस एंड माइजरी ऑफ माई सिटी, कि मैं जो माइजरी है, जो अगलीनेस है मेरे सिटी की, वो क्लियरली देख पा रहा हूँ, ठीक है. इस प्रकार से उसने कहा. और वो कहता है कि वहाँ स्ट्रीट के ऊपर एक घर है जहाँ पर एक सिलाई करने वाली औरत है जो कि एक ग्राउंड के ऊपर एम्ब्रॉयडरी कर रही है फ्लावर की, और वो जो ग्राउंड है वो किसका है, क्वीन का, और उसे जल्दी वो फिनिश करना है. लेकिन उसका जो बेटा है उसको फीवर है, क्योंकि बगल में बेड पर लेटा हुआ है और वो ऑरेंजेस मांग रहा है, लेकिन वो उसको प्रोवाइड नहीं करवा पा रही है क्योंकि उसके पास में कोई मनी नहीं है. तो स्वेलो, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी ये जो स्वॉर्ड है इसके अंदर रूबी लगी हुई है, इस रूबी को निकाल कर उसे दे आओ, और इससे उसकी बड़ी हेल्प हो जाएगी, ठीक है. तो वो उसे दे आता है. किसको दे आता है? उस औरत को. फिर अगले दिन वो पूरी सिटी पे घूमता है, देखता है. फिर शाम को वो गुड बाय कहने के लिए हैप्पी प्रिंस को आता है, और वो कहता है कि नाउ अब मैं रवाना हो रहा हूँ, किसके लिए? इजिप्ट के लिए. तो हैप्पी प्रिंस कहता है कि विल यू नॉट स्टे विथ मी वन नाइट लॉन्गर, कि आप एक नाइट और नहीं रुक सकते मेरे साथ में? तो बोलता है कि बताओ क्या बात है. वो कह रहा है कि वहाँ जो सिटी की उस गली है वहाँ पे एक प्ले राइटर है जो अपने ड्रामा को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सर्दी के कारण वो कंप्लीट नहीं कर पा रहा. मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे आईज़ जो है उसमें सेपरीज है, तो एक सेपरीज निकाल कर उसे दिया, उसकी मदद हो जाएगी. तो रिक्वेस्ट करने के बाद में जो स्वेलो है बर्ड, वो उसको दे आता है, और हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, ठीक है. अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं कि इन विंटर आंसर द स्वेलो. अब मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कहाँ तक हमने पढ़ लिया था, और यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, अब आगे देख लेते हैं. इन विंटर आंसर द स्वेलो एंड द स्वेलो विल सून बी हियर, सॉरी स्नो विल सून हियर. किस विंटर आ गया है, किसने कहा? स्वेलो ने, और जो स्नो है वो जल्द ही यहाँ पे भी आ जाएगा. इन इजिप्ट द सन इज़ वार्म ऑन द ग्रीन पाम ट्रीज, और इजिप्ट की बात करते हैं वहाँ पे जो सन है वो काफ़ी वार्म होता है
ग्रीन पाम ट्रीज़ के ऊपर। पाम ट्रीज़ मैंने बताया था, कोकोनट ट्रीज़ की तरह बड़ी बड़ी ट्रीज़ होती है, इसको पाम ट्रीज़ कहा जाता है। एंड क्रोकोडाइल्स लाई इन द मड, और जो क्रोकोडाइल्स है वो मिट्टी में लेटे रहते हैं। एंड लुक लेजिली अबाउट देम, और लेजिली वो पड़े रहते हैं, इधर उधर देखते रहते हैं। ठीक है, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, अब आगे की ओर बढ़ते हैं यहाँ से। ठीक है, और अब ओके। इन द स्क्वायर बिलो सैट द हैप्पी प्रिंस, दे स्टैंड अ लिटिल मैजिकल। कि स्क्वायर बिलो, ये जगह का नाम है, कि वहाँ जो स्क्वायर बिलो है वहाँ पर, ठीक है ना, दे स्टैंड अ लिटिल मैजिकल, कि वहाँ पे स्टैंड कर रखी है, खड़ी है एक मैजिकल, खड़ी है माचिस या अगरबत्ती या मैच स्टिक बेचने वाली एक लड़की खड़ी हुई है। सी हैज़ लेट हर मैचेस फॉल इन द गटर, और क्या हो गया है कि उसकी जो मैचेस है, ठीक है ना, वो क्या हो गई है, गिरा दी गई है किसके अंदर, गटर के अंदर। एंड दे आर ऑल स्पॉइल्ड, और वो सारी की सारी क्या हो गई है, स्पॉइल्ड हो गई है। हर फादर विल बीट हर इफ़ सी डज नॉट ब्रिंग होम सम मनी, और उसके फादर उसको बीट करेंगे, ठीक है, बीट कर देंगे अगर वो कुछ मनी वापस लेकर नहीं जाती है। सी इज़ क्राइंग, और वो क्राई कर रही है। सी हैज़ नो शूज़, उसके कोई शूज़ भी नहीं है, कोई पैर में शूज़ भी नहीं है, और स्टॉकिंग्स, और ना ही कोई किसी प्रकार की स्टॉकिंग्स वगैरह है, मतलब किसी प्रकार की स्लीपर्स या कोई दूसरी जो शूज़ की जगह होनी चाहिए वो भी नहीं है। एंड हर लिटिल हेड इज़ बेयर, और उसका जो लिटिल हेड है, छोटा सा सिर, वो बिल्कुल बेयर, मतलब कि ऊपर कुछ भी उसने पहना हुआ नहीं है, बिल्कुल खाली है, सिर पे कुछ नहीं लगा रखा, इतनी विंटर है फिर भी। एक काम करो, प्लक आउट माई अदर आई, कि मेरी दूसरी आँख भी निकालो, प्लक आउट कर लो। प्लक आउट का मतलब निकालो, क्या निकालो, मेरी दूसरी आई, दूसरी आई का मतलब जो सैपरी लगी हुई है, ठीक है ना, वो भी निकालो। गिव इट टू हर, और उसे जाके दे आओ। हर फादर विल नॉट बीट हर, और इससे उसके फादर उसको बीट नहीं करेंगे। आई विल स्टे विथ यू वन नाइट लॉन्गर, तो स्वेलो कहता है कि ठीक है, मैं एक रात और आपके साथ में स्टे करूँगा। सैड द स्वेलो, बट आई कैन नॉट प्लक आउट योर आई, लेकिन मैं आपकी आई को प्लक आउट नहीं कर सकता, बाहर नहीं निकाल सकता। यू वुड बी क्वाइट ब्लाइंड देन, तो उसके बाद में तो आप बिल्कुल ही ब्लाइंड हो जाओगे। ठीक है, तो स्वेलो स्वेलो, आगे वो कहता है, स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, सैड द प्रिंस, डू एज आई कमांड यू, कि आप वैसा ही करें, डू एज आई कमांड यू, जैसा मैं आपको कमांड करता हूँ, जैसा मैं आपको निर्देश देता हूँ। सो ही प्लग्ड आउट द प्रिंस अदर आईज, तो उसने प्लग्ड आउट कर ली प्रिंस की दूसरी आई भी। एंड डार्टेड डाउन विथ इट, और अब वो उसके साथ में उसको लेकर चला जाता है। ही स्पूड पास द मैच गर्ल, और वो जल्दी से, रफ्तार से, तेजी से उड़ता हुआ, ठीक है, किसके पास में चला जाता है, मैच गर्ल के पास में, और उस मैच गर्ल के पास में चला जाता है। एंड स्लिप्ड द ज्वेल इन टू द पाम ऑफ अ हैंड, और स्लिप्ड का मतलब रख देता है उस ज्वेल को, उस मोती को, उस कीमती वस्तु को किसके हाथ में, हथेली में रख देता है, उस लड़की के हाथ में। वॉट अ लवली बिट ऑफ ग्लास, और आगे क्या कहता है कि देखो कितना अच्छा ग्लास है, कितना मतलब कि मोती जैसे चमकता हुआ ग्लास है। क्राइड द लिटिल गर्ल एंड सी रैन होम लाफिंग, और वो घर चली जाती है हंसते हंसते। देन द स्वेलो कैम बैक टू द प्रिंस, और उसके बाद में स्वेलो है वो वापस आता है प्रिंस के बाद में, और उसे कहता है यू आर ब्लाइंड नाउ, कि अब तुम ब्लाइंड हो। ही सेड सो आई विल स्टे विथ यू ऑलवेज, इसलिए मैं स्टे करूँगा आपके साथ हमेशा हमेशा, अब मैं आपको छोड़कर नहीं जाने वाला, ठीक है, मैं आपके साथ में रहूँगा। आई विल नॉट लीव यू नाउ, कि अब मैं आपको लीव नहीं करूँगा, मैं आपके साथ में स्टे करूँगा। तो प्रिंस कहता है नो लिटिल स्वेलो, सैड द पुअर प्रिंस, क्या कहा, नहीं लिटिल स्वेलो, यू मस्ट गो अवे टू इजिप्ट, नहीं तुम्हें कहाँ जाना होगा, इजिप्ट जाना ही होगा, इजिप्ट को जाना ही होगा, तुम मेरी चिंता मत करो, डोंट वरी। नो आई विल स्टे विथ यू ऑलवेज, वो बोलता है स्वेलो, क्या बोलता है, नो आई विल स्टे विथ यू ऑलवेज, सैड द स्वेलो। एंड ही स्लेप्ट एट द प्रिंस फीट, और वो स्लेप्ट का मतलब सो जाता है, कहाँ पे सो जाता है, प्रिंस के फीट में। और द नेक्स्ट डे ही सैट ऑन द प्रिंस शोल्डर, और अगले दिन अगले पूरे दिन भर वो बैठा रहता है कहाँ पर, प्रिंस के शोल्डर के ऊपर, कंधों के ऊपर। एंड टोल्ड हिम स्टोरीज ऑफ वॉट ही हैड सीन इन स्ट्रेंज लैंड्स, और वो अब उसको स्टोरीज बता रहा है, जो कुछ भी उसे दिखाई दे रहा है उन अजीब लैंड के ऊपर, उस धरती के ऊपर जो भी विचित्र घटनाएं घट रही है, वो सारी कहानियां वो प्रिंस को बता रहा है, क्योंकि अब प्रिंस एबल नहीं है देखने में, क्योंकि वो क्वाइट ब्लाइंड हो चुका है, बिल्कुल अंधा हो चुका है।
डियर लिटिल स्वेलो सैड द प्रिंस यू टेल मी ऑफ मार्वलस थिंग्स कि तुमने मुझे मार्वलस थिंग्स तो बताई बट मोर मार्वलस देन एनी थिंग इज द सफरिंग ऑफ मैन एंड वुमन लेकिन मार्वलस से भी ज़्यादा वो चीज़ें हैं जो सफरिंग्स है सफरिंग्स का मतलब पीड़ाएँ हैं दुख है किसके मैन एंड वुमन के देर इज़ नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज माइजरी कि ऐसी कोई मिस्ट्री नहीं ऐसा कोई माइजरी नहीं सॉरी मिस्ट्री नहीं है जो कि माइजरी जितनी ग्रेट हो माइजरी का मतलब होता है दुख दरिद्रता गरीबी परेशानी ये माइजरी का मतलब होता है फ्लाई ओवर माई सिटी वो कहता है कि तुम मेरी सिटी के ऊपर उड़ कर आओ लिटिल स्वेलो एंड टेल मी व्हाट यू सी देयर मुझे बताना कि तुमने वहाँ क्या सी किया क्या देखा सो द स्वेलो फ्लू ओवर द ग्रेट सिटी इसलिए स्वेलो क्या करता है फ्लू करता है उस ग्रेट सिटी के ऊपर से एंड सो द रिच मेकिंग मैरी इन देयर ब्यूटिफुल हाउस और क्या देखता है कि जो रिच है जो अमीर है वो मैरी है मैरी का मतलब यहाँ पर है हैप्पी मैरी मीन्स हैप्पी शादी नहीं है ध्यान रखना है मैरी मीन्स हैप्पी देखो अगर इस मैरी की स्पेलिंग क्या है MERRY मैरी अगर ई की जगह ए होता तो फिर क्या होता है मैरी हो जाता है जिसका मतलब शादी है ठीक है लेकिन यहाँ पे MERRY मैरी है मैरी का मतलब हैप्पी तो रिच मेकिंग मैरी इन देयर ब्यूटीफुल हाउसेस और जो रिच है वो खुश है ठीक है खुशियाँ मना रहे कहाँ पर अपने अच्छे घरों के अंदर जबकि जो बेगर्स है वर सिटिंग एट द गेट्स और भिखारी कहाँ बैठे हुए गेट के ऊपर बैठे हुए ही फ्लू इनटू डार्क लेंस और वो अंधेरी भरी जो लेंस है गलियाँ हैं उसमें घूम फ्लू करके आता है उड़कर आता है एंड सो द वाइट फेसेस ऑफ स्ट्राइविंग चिल्ड्रन और वो देखता है वो वाइट फेसेस देखता है किसके भूखे बच्चों के लुकिंग आउट लिस्टलेसली एट द ब्लैक स्ट्रीट जो कि बाहर देख रहे थे बेचैनी से बेचैन होकर कहाँ पर जो काली गलियाँ हैं सड़कें हैं उनकी तरफ देख रहे थे Under the archway of bridge, two little boys were lying in each other's arms to try and keep themselves warm. कि under the archway of bridge, bridge का जो archway था archway का मतलब जो गोलाकार आकृति थी bridge की ठीक है ना आधे गोलाकार आकृति उस bridge के नीचे दो छोटे बच्चे क्या कर रहे थे लेटे हुए थे in each other's arms, एक दूसरे की बाहों में और कोशिश कर रहे थे और रख रहे थे अपने आप को गर्म क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि ये विंटर का टाइम और विंटर के टाइम में वो अपने आप को गर्मी देने की कोशिश कर रहे थे हाउ हंग्री वी आर और वो कह रहे थे कि हम कितने भूखे हैं हाउ हंग्री वी आर दे सेड यू मस्ट नॉट लाई हियर और ठीक है और आगे कहता है क्या कहता है वहाँ पर जो वॉचमैन है वहाँ का वो शाउट करके बोलता है यू मस्ट नॉट लाई हियर कि आप यहाँ लाई नहीं कर सकते यहाँ नहीं ले सकते दे वेंडर्ड आउट इन टू द रेन और अब जब वॉचमैन ने मना कर दिया था अब उनको जाना पड़ा वेंडर्ड का मतलब जाना पड़ा भटकना पड़ा किसके अंदर रेन के अंदर बरसात के अंदर बाहर भटकना पड़ा देन ही फ्लू बैक एंड टोल्ड द प्रिंस व्हाट ही हैड सीन उसके बाद में वो उड़कर जाता है और प्रिंस को बताता है जो भी उसने देखा आई एम कवर्ड विथ फाइन गोल्ड तो प्रिंस कहता है कि मैं फाइन गोल्ड से कवर हूँ मेरे स्टेचू के ऊपर गोल्ड लगा हुआ है सेड द प्रिंस यू मस्ट टेक इट ऑफ तुम इसे टेक इट ऑफ कर लो टेक इट ऑफ का मतलब इसे उतार लो लीफ बाय लीफ मतलब एक एक पत्ती से उतार लो एंड गिव इट टू द पुअर और पुअर को दे के आ जाओ The living always, living का मतलब यहाँ पे जीवित है The living always think कि जो जीवित है वो हमेशा ये सोचते हैं that gold can make them happy कि जो gold है जो सोना है वो उनको खुश कर सकता है मतलब कि जितने भी जीवित व्यक्ति है वो पैसे के पीछे भागते हैं और पैसे से कुछ सुविधाएं मिल जाती है इसलिए वो कह रहा है कि gold हो सकता है उनको उनकी मदद कर दे इसलिए तुम ये gold उतार कर दे आओ Leaf after leaf of fine gold और पत्ती के बाद में पत्ती जो फाइन गोल्ड की थी द स्वेलो पिक्ड ऑफ स्वेलो ने उसे पिक ऑफ कर ली उतार ली टिल द हैप्पी प्रिंस लुक क्वाइट डल एंड ग्रे और जो अब कब तक उतार ली जब तक हैप्पी प्रिंस बिल्कुल डल दिखने लग गया ग्रे रंग का मतलब ब्लैक कलर का दिखने लग गया डल हो गया मतलब पहले वो सोने की तरह चमक रहा था लेकिन सोने की लीफ टेक ऑफ करने के बाद में वो बिल्कुल डल हो गया लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड ही ब्रॉट टू द पुअर मतलब हर एक पत्ती वो ले जाकर दे आया किसको गरीब को एंड द चिल्ड्रंस फेसेस ग्रू रोजियर और अब जो चिल्ड्रन के जो फेसेस थे जो चेहरे थे वो बिल्कुल रोज की तरह हो गए गुलाबी हो गए दे लाफ्ड एंड प्लेड इन द स्ट्रीट अब वो हंस रहे थे खेल रहे थे किसके अंदर स्ट्रीट के अंदर वी हैव ब्रेड नाउ और वो कह रहे थे कि अब हमारे पास में भी ब्रेड होगा हमारे पास में भी खाना होगा दे क्राइड देन द स्नो कैम और उसके बाद में बरसात स्नो आ जाती है मतलब कि बर्फ
गिरने लगती है। आफ्टर द स्नो कैम द फ्रॉस्ट, और स्नो के बाद में आता है फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट होता है बहुत ज़्यादा, जब सर्दी होती है, विंटर होती है, तो वो फ्रॉस्ट कहलाता है। और इससे जो पेड़ पौधे हैं वो भी पीले रंग के हो जाते हैं, जिसको हिंदी में पाला बोलते हैं। ठीक है, तो फ्रॉस्ट आ जाता है। द स्ट्रीट्स लुक एज इफ दे वर मेड ऑफ सिल्वर, और जो स्ट्रीट्स है, जो रास्ते हैं, वो ऐसे लग रही है जैसे कि मानो कि वो किसकी बनी हुई हो, सिल्वर की। सिल्वर की क्यों लग रही है? क्योंकि बर्फ़ गिर रही है, चारों तरफ सफ़ेद हो गई है, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे स्ट्रीट्स ही सिल्वर की बनी हुई। एवरीबडी वेंट अबाउट इन फर्स, और जो सभी लोग हैं वो बाहर चले जाते हैं फर के अंदर। यहाँ पे कोट है, मतलब कि जो फर वाला कोट है, बालों वाला कोट है, वो पहनकर चले जाते हैं। द लिटिल बॉयज वॉर स्कारलेट कैप्स एंड स्केटेड ऑन द आइस, और जो बॉयज़ है वो स्कारलेट कैप्स पहनते हैं, मतलब जो सर्दियों में पहने जाने वाली जो फर वाली कैप्स है वो पहनते हैं, और आइस के अंदर चले जाते हैं स्केटिंग करने के लिए। द पुअर लिटिल स्वेलो ग्रे कोल्डर एंड कोल्डर, और बेचारा जो वो स्वेलो था बर्ड, छोटा सा बर्ड, उसको वो ठंडा और ज़्यादा ठंडा होता चला जाता, मतलब ठंड से उसे ठंड लगने ही लग जाती बहुत ज़्यादा। बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस, लेकिन वो प्रिंस को लीव नहीं करता है, वो प्रिंस को नहीं छोड़ता है। ही लव्ड हिम टू वेल, और वो उसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता है। ही पिक्ड अप क्रम्स आउटसाइड द बेकर्स डोर व्हेन द बेकर्स वाज नॉट लुकिंग एंड ट्राई टू कीप हिमसेल्फ वार्म बाय फ्लैपिंग हिज विंग्स। ही पिक्ड अप क्रम्स, वहाँ पे जो क्रम्स है, मतलब छोटे मोटे टुकड़े हैं जो बेकर के डोर पे पड़े हुए थे। बेकर का मतलब कोई भी चीज़ पकाने वाले, जैसे केक, पेस्ट्री, टॉस्ट वगैरह, जो पकाने वाली दुकान होती है उसको बेकर बोलते हैं, यू नो वेरी वेल। तो वहाँ से कुछ क्रम्स, कुछ टुकड़े उठा के लेके आ जाते हैं डोर से। व्हेन द बेकर वॉज नॉट लुकिंग, कब जब बेकर नहीं देख रहा था। एंड ट्राई टू कीप हिमसेल्फ वार्म, और अपने आप को वार्म करने की कोशिश करता है, गर्म करने की कोशिश करता है, कैसे? फ्लैपिंग हिज विंग्स, अपने विंग्स को फड़फड़ाकर। बट एट लास्ट ही न्यू दैट ही वॉज गोइंग टू डाई, लेकिन आखिरकार उसे पता पड़ जाता है कि अब वो डाई होने वाला है, मरने वाला है। एट जस्ट इनफ स्ट्रेंथ टू फ्लाई अप टू प्रिंस शोल्डर वंस मोर, और अब उसमें सिर्फ इतनी सी स्ट्रेंथ बचती है कि वो फ्लाई करके प्रिंस के शोल्डर पे एक बार ही बैठ सकता है। तब वो उसके ऊपर बैठ जाता है, तो बोलता है गुड बाय डियर प्रिंस। तो क्या बोलता है? गुड बाय डियर प्रिंस, ही मर्मर्ड, विल यू लेट मी किस योर हैंड। वो क्या बोल रहा है? क्या आप मुझे अपने हैंड को किस करने दोगे? आई एम ग्लेड डेट यू आर गोइंग टू इजिप्ट। प्रिंस तो क्या सोच रहा है कि वो इजिप्ट जा रहा है, इसलिए वो गुड बाय बोल रहा है। तो वो प्रिंस क्या बोलता है कि मुझे ग्लैड है, ग्लैडनेस है, हैप्पी है कि तुम इजिप्ट जा रहे हो अब आखिरकार, ठीक है ना। अ लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, यू हैव स्टेड टू लॉन्ग हियर, तुम बहुत लंबे समय तक रुक चुके हो मेरे साथ में। बट यू मस्ट किस मी ऑन द लिप्स, कि तुम्हें किस करनी चाहिए मुझे ऑन द लिप्स, फॉर आई लव यू। इट इज़ नॉट इजिप्ट डेट आई एम गोइंग, तो स्वेलो बोलता है कि ये इजिप्ट नहीं है जहाँ मैं जा रहा हूँ। सेड द स्वेलो, इसने कहा, स्वेलो ने कहा, आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ, मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं जा रहा हूँ हाउस ऑफ डेथ, जो हाउस ऑफ डेथ है, मृत्यु का जो घर है, वहाँ जा रहा हूँ। एंड डेथ इज़ द ब्रदर ऑफ स्लीप, और आपको पता है डेथ ब्रदर है किसकी? स्लीप की। इज ही नॉट, क्या ऐसा नहीं है? एंड किस द हैप्पी प्रिंस, और वो क्या करता है? किस करता है हैप्पी प्रिंस को ऑन द लिप्स, किसके ऊपर? लिप्स के अंदर। एंड फेल डाउन डेड एट हिज फीट, और फिर वो गिर जाता है कहाँ पर? फीट के ऊपर, मतलब मर जाता है बेचारा। That moment, a curious crack sounded inside the statue. और उसी moment, एक अजीब सी crack, टूटने की आवाज़ आती है अंदर से। किसके अंदर से? Statue के अंदर से। As if something had broken, मानो कि कोई चीज़ broken हो चुकी हो, टूट गई हो। The fact is that, fact is that the leaden heart had snapped right in two. कि जो लीडन हर्ट था, मतलब कि जो लीड का बना हुआ हर्ट था स्टेचू का, वो छिटक जाता है, टूट जाता है दो हिस्सों में। इट सटनली वॉज अ ड्रेडफुली हार्ड फ्रॉस्ट, और ये वास्तव में कैसी थी? भयानक फ्रॉस्ट थी, भयंकर विंटर थी। अर्ली इन द नेक्स्ट मॉर्निंग द मेयर वॉज वॉकिंग इन द स्क्वायर बिलो इन कंपनी विद द टाउन काउंसिलर्स। अब देखो, सुबह जल्दी अगली मॉर्निंग को जो मेयर है वो क्या कर रहा था? वॉक कर रहा था किसके अंदर? इन द स्क्वायर ब्लू, ये जगह का नाम है, पहले भी आया था स्क्वायर ब्लू, ठीक है। किसके साथ में? इन कंपनी विद टाउन काउंसिलर्स, मतलब जो टाउन काउंसिलर्स थे उनके साथ में वॉक कर रहा था मेयर। एज दे पास दैट कॉलम, और जैसे वो कॉलम के पास में से पास होते हैं, ही लुक्ड अप एट द स्टेचू, तो मेयर क्या करता है? ऊपर देखता है स्टेचू की ओर, और कहता है डियर मी हाउ सेबी
द हैप्पी प्रिंस लुक, कि देखो सैबी यानी होता है बेकार, गंदा, भद्दा, अगली, तो देखो कितना बेकार लग रहा हैप्पी प्रिंस, ही सैड, हु सैड, मेयर ने कहा। हाउ सैबी इंडीड, क्राइड द टाउन काउंसिलर्स, तो जो टाउन काउंसिलर्स थे जो मेयर के साथ थे उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो कि कितना सैबी है। वो ऑलवेज अग्रीड विद द मेयर, जो हमेशा अग्री रहते थे, तैयार रहते थे किससे, मेयर, मेयर कुछ भी बोले उसकी हाँ में हाँ मिलाते थे। एंड दे वेंट अप टू लुक एट इट, और वो चले जाते हैं इसे देखने के लिए, ऊपर चले जाते हैं कॉलम के ऊपर। द रूबी हैज़ फॉलन आउट ऑफ हिज स्वॉर्ड, वो कहते हैं कि देखो रूबी भी इससे गिर चुकी है, इसके स्वॉर्ड से रूबी भी निकल चुकी है। आइज, हिज आइज आर गॉन, इसकी आंखें भी चली गई है। एंड ही इज़ गोल्डन नो लॉन्गर, अब ये गोल्डन भी नहीं रहा, गोल्ड रंग का भी नहीं रहा, सेड द मेयर। इनफैक्ट ही इज़ अ लिटिल बेटर देन अ बेगर, बस ये बेगर से थोड़ा बहुत ठीक ठाक है, बाकी बेगर में कुछ नहीं बचा है। लिटिल बेटर देन अ बेगर, सेड द टाउन काउंसिलर, टाउन काउंसिलर ने भी वही लाइन रिपीट की। एंड हैज एक्चुअली अ डेड बर्ड एट इज फीट, और यहाँ पे देखें एक्चुअली यहाँ पे एक डेड बर्ड भी है इसके फीट में। कंटिन्यू द मेयर, मेयर ने कहा वी मस्ट रियली इश्यू अ प्रोक्लेमनेशन दैट बर्ड्स आर नॉट, अब वो कहते हैं हम एक प्रोक्लेमनेशन, एक घोषणा करेंगे, क्या घोषणा करेंगे इस इशू को लेकर कि जो बर्ड्स है, बर्ड्स आर नॉट नॉट टू बी अलाउड टू डाई हियर, कि बर्ड्स को अलाउ नहीं करेंगे वो यहाँ आकर डाई करें। एंड द टाउन क्लर्क मेड अ नॉट ऑफ द सजेशन, और जो टाउन का क्लर्क था उसने इसी प्रकार का सजेशन राइट कर दिया। सो दे पुल डाउन द स्टेचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस, और उन्होंने पुल डाउन कर दिया, उतार दिया किसको, स्टेचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस, एज ही नो लॉन्गर ब्यूटीफुल, क्योंकि वो अब ब्यूटीफुल नहीं था, ही इज़ नो लॉन्गर यूजफुल, और अब वो किसी यूजफुल भी नहीं था। सैट द आर्ट प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी, जो आर्ट प्रोफेसर था ना यूनिवर्सिटी के अंदर, उसने कहा। देन दे मेल्टेड द स्टेचू इन द फर्नेस, और उसके बाद में उन्होंने मेल्ट कर दिया, पिघला दिया स्टेचू को किसके अंदर, फर्नेस के अंदर, भट्टी के अंदर। वट ए स्ट्रेंज थिंग, और वो क्या देखिए, अरे ये क्या स्ट्रेंज थिंग, ये किसी अजीब चीज़ है। सेट द ओवरसीयर ऑफ टू वर्कमैन एट द फाउंड्री, जो भी उनको मिला, जो कुछ भी उनको मिला उस चीज़ को देखते, अरे ये क्या अजीब सी चीज़ है। दिस इज ब्रोकन लीड हर्ट, ये तो एक ब्रोकन लीड हर्ट है, विल नॉट मेल्ट इन द फर्नेस, जो कि इस फर्नेस के अंदर मेल्ट नहीं होगा, पिघलेगा नहीं। वी मस्ट थ्रो इट अवे, हमको इसको थ्रो करना होगा। सो दे थ्रो इट ऑन द डस्ट हीप, और वो कचरे की ढेर में इसको थ्रो कर देते हैं। वेयर द डेड स्वेलो वॉज लाइंग, वॉज ऑल्सो लाइंग, और जहाँ पे वो जो डेड स्वेलो था वो भी लाइंग कर रखा था, लेटा हुआ था, पड़ा हुआ था। अब देखिए स्टोरी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। अब गॉड है वो अपने एंजल से कहता है, क्या कहता है देखिए, ब्रिंग मी द टू मोस्ट प्रीशियस थिंग्स, कि जो गॉड है वो कह रहा है कि ब्रिंग मी टू मोस्ट प्रीशियस थिंग, कि सबसे प्रीशियस थिंग, सबसे कीमती बहुमूल्य वन जो थिंग्स है इस सिटी की वो ला के दो। सैड गॉड टू वन ऑफ हिज एंजल्स, किससे बोल रहा है, गॉड बोल रहा है अपने एंजल्स से। द एंजल्स ब्रॉट हिम द लीडन हर्ट एंड द डेड बर्ड, और जो एंजल्स है वो क्या लेके आए, वही हर्ट, जो लीड का बना हुआ हर्ट है वो, और उस डेड बर्ड को ले आए। यू हैव राइटली चूजन, कि तुमने सही चूज किया है, सैड गॉड, फॉर इन माई गोल्डन गार्डन ऑफ पैराडाइज दिस लिटिल बर्ड शैल सिंग फॉर एवर, क्योंकि अब हमेशा जो मेरा ये गार्डन है, हमेशा हमेशा के लिए जो पैराडाइज वाला जो गार्डन है, इसमें जो लिटिल बर्ड है शैल सिंग, वो सिंग करेगा फॉर एवर, हमेशा हमेशा के लिए, इन माई सिटी ऑफ गोल्ड ऑफ द हैप्पी प्रिंस, सॉरी, और इन माई सिटी ऑफ गोल्ड, ये मेरी जो सिटी है गोल्ड की, इसमें जो हैप्पी प्रिंस है वो हमेशा मेरी प्रशंसा करता रहेगा। तो ये जो लिखी है वो किसने लिखी है, ऑस्कर वाइल्ड ने लिखी है, और वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर 5 नाउ।